बिहार पुलिस सप्ताह दिवस का आयोजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा के सभागार में किया गया, जो 22 फरवरी से 27 फरवरी तक बिहार पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पहले दिन परसा थाना अध्यक्ष रामसेवक रावत के नेतृत्व में पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि पहले दिन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा 23 फरवरी को पुलिस व पब्लिक के बीच फुटबॉल मैच, 24 को ट्रैफिक अवेयरनेस, 25 को जनसंवाद, 26 फरवरी को वृक्षारोपण व पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं पहले दिन पेंटिंग प्रतियोगिता में जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, कोविड-19, दहेज प्रथा, बाल विवाह विषयों में दर्जनों छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें वीना कुमारी, अंजलि कुमारी, श्वेता कुमारी, पंकज कुमार, दीपक कुमार शर्मा, अंकित कुमार, काजल कुमारी मधुमाला, सोनम सिंह, रूबी कुमारी, सचिन कुमारी, रूपा कुमारी, मुस्कान कुमारी, सोनू कुमार, सोनाली कुमारी, प्रीति कुमारी समेत 25 छात्र छात्राओं को पेंटिंग प्रतियोगिता में सफल रहे। इस मौके पर वीडियो रजत किशोर सिंह, सीओ अखिलेश चौधरी, प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार, समीर विनोद कुमार, जितेश राज, नवीन कुमार, मिथिलेश कुमार, सुभाष कुमार शर्मा, चंदन कुमार, मुन्ना कुमार इत्यादि उपस्थित थे। डेलावन टीवी के लिए परसा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। पुलिस सप्ताह दिवस पूरे बिहार में मनाया जा रहा है, ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। उसी ढंग से आज भी, मतलब इस सप्ताह भी, इस साल भी 22 से लेकर 27 फरवरी तक मनाया जाएगा, और इसका उद्देश्य पब्लिक, पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छा तालमेल और समन्वय स्थापित करना है। क्या सर जी, इसमें सफल छात्र के भी पुरस्कृत भी किया जाएगा जी? इसमें जो हम बहुत सारा प्रोग्राम करा रहे हैं 22 से लेकर 26 तारीख तक, उसमें इन प्रतियोगिताओं में लोगों का चयन होगा, जजेज होंगे, इनको चयन करेंगे, उनको हम 26 तारीख को थाना लेवल से सम्मानित और पुरस्कृत करेंगे।